ले जा संदेसी बसन में जा
ओम शांति। ओम शांति। बाबा की आज 9 तारीख 5 मास की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्री बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सद्गुरु है। वंडरफुल क्यों है? क्योंकि कहते हैं उसे अपना कोई बाप नहीं, वो कभी किसी से सीखते नहीं हैं और उन्हें गुरु की दरकार नहीं है। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए, ऐसा सोच करके बाबा को याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर है, बाबा कहते हैं याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। कैसे? बताते हैं, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, और कुछ नहीं करना है। बाप तुमको देखे, बाबा तुमको देख रहा है ऐसी महसूस करो और आप बाबा को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वही सुनाते हैं। नॉलेज वही सुनाते, कौन सुनाते हैं? उसकी विशेषता क्या है? जो कभी पढ़ते नहीं है, कहते तुमको नॉलेज वो सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। कृष्ण भी पढ़ा है ना। बाप कहते मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने के लिए आया हूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लेन अनुसार बाप की जरूर ऊंच ते ऊंच महिमा होगी ना। गाया भी जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर और न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न कोई टीचर है और न गुरु है। ये स्वयं ही बाप, टीचर और सद्गुरु है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर और सद्गुरु को याद करना चाहिए। उनका कोई बाप नहीं है, टीचर नहीं है, गुरु का सवाल ही नहीं है, है ना? तो ऐसा सोच समझ करके फिर बाबा को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी है ओ गॉडफादर, वो नॉलेजफुल टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए फिर मुख तो जरूर चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। हमारा बाप वो है जिनका कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं है। वो हमें पढ़ाने के लिए आते हैं और पढ़ाने के लिए शरीर का आधार लेते हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वो सद्गुरु भी है, हमें योग सिखा रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो, सभी को कहते हैं।
आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली कौन है? आत्मा ही है। उनको रथ कहो वा कुछ भी कहो, मुख्य बात है चलाने वाली आत्मा है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो फिर भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन हो गए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। भाई की बहन से फिर कभी शादी नहीं होती है। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए, तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए सभी। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय, डायरेक्ट शिव बाबा के बच्चे हैं सभी। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखा रहे हैं, वो कोई से सीखा हुआ नहीं है, वो तो है ही सदैव संपूर्ण। कोई से सीखने की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, वो तो है ही सीखा हुआ संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती है और सबकी कलाएं कम होती है। उसके बाद फिर नंबर वन आत्मा जो है इस दुनिया का, उसकी भी कलाएं कम होती है, है ना। श्री कृष्णा परफेक्ट बन जाते हैं पर उसके बाद भी धीरे 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 कला कम होती है। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। बाबा कहते हैं सिर्फ ईश्वर कहने से इतना मजा नहीं आता है, जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है, ईश्वर कहेंगे तो दूर दूर नजर आएगा, शिव बाबा कहेंगे तो नजदीक महसूस होगा। बाप कैसे आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित है तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं है पतित पावन को बुलाने की, इसलिए याद ही नहीं करते। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने, इसलिए याद करते। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई लड़ाई की बात नहीं है। अभी तुम समझते हो अभी तो हम न असुर है न देवता है, तो क्या है? ब्राह्मण है। अभी हम हैं बीच के। बाबा कहते हैं सभी तुमको कूटते रहते हैं, दोनों तरफ है। ये खेल बड़ा मजे का है, नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना। वो सब है हद के ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई भी जानते नहीं है, देवताएं तो जान भी नहीं सकते हैं ना। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, होते कलयुग में है पर अभी बाबा के तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वो फिर औरों को भी समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा बुद्धि में आ जाएगा ना, याद रह जाता है ना बुद्धि में। बाबा ने समझाया है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप भी कहते हैं ना। बाप बैठ के तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को ये पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा? नहीं, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं है तो भाषा फिर क्या सीखेगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा को ही काम में लाएगा। जिस रथ में आते हैं वहां जो स्टोर में पड़ा है वो ही यूज करेगा, है ना। मन बुद्धि की स्टोर में क्या पड़ा है, जो पड़ा है वही उपयोग में लाता है।
उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वो कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं हैं, उनका कोई टीचर होता नहीं। कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर है, उनको गुरु की दरकार ही नहीं है, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है, परंतु सब शास्त्र लिखे गए द्वापर के बाद, इसलिए उस समय तो लोग गुरु की कल्पना हमेशा करते रहते हैं। तो गुरु दिखाया है कि वो गुरु के आश्रम में भी जाते हैं, दिखाया है गुरु के आश्रम में जाते हैं, पर बेचारे गुरु भी उनको सिखाते सिखाते, क्योंकि पहचानते हैं गुरु लोग जान जाते हैं, इसलिए कहते भी ये तो हमारे से भी ज्यादा जानता है। कृष्ण को दिखाते हैं परंतु क्या फिर समझते हैं, ये तो हमारे से भी ज्यादा जानने वाला है, इनको कौन सिखाएगा, कौन सिखा सकता है। तो दोनों का पर्सनैलिटी मिक्स कर दिया है, शिव बाबा की और कृष्ण की। तो कृष्ण को गुरु के आश्रम में दिखाया पर उसको गुरु करने की दरकार नहीं होती है, उनको तो सदगति मिली हुई है। ये भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो, हमको पढ़ाने वाला है स्वयं भगवान। हम अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं, कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, भगवान के लिए बोले वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करने वाला होए, जानने वाला वो है, क्या जानता है वो नहीं पता। कह देते हैं सब कुछ जानता है, परंतु क्या जानते हैं वो किसी को पता नहीं है, वो नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है ना, वो है जड़ बीज और तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो, बाप कहते मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। है तो सब मनुष्य परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते हैं, इतनी वैरायटी है। एक भी आत्मा का शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते, और एक ही आत्मा के 84 जन्म के फीचर्स 84 होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। एक्टर कौन है? आत्मा। एक्ट करने वाली कौन है? आत्मा है। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं। वो मनुष्य डांस करते हैं, जैसे मनुष्य बंदर को आके डांस कराते हैं, जैसे ये बहुत सोचने की चिंतन करने का अच्छा विषय है। बाबा कहते हैं जैसे मनुष्य बंदर को आके डांस कराते हैं, है ना, ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। समझा? जैसे कोई मनुष्य बंदर को डांस कराता है, वैसे आत्मा शरीर को डांस कराती है ना। कैसे कराती है वो चिंतन करने का, कैसे कराती है वो तो बोल सकता है, वो मनुष्य होगा, वो पहले उसको ट्रेनिंग देता है और फिर उसको बोलेगा, उस अनुसार वो करता है। वैसे उसका विषय नहीं है, बंदर का समझने का विषय नहीं है, पर तो भी उसको ट्रेनिंग दे 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 करके समझाता है। उसी प्रकार आत्मा की भाषा समझने का मानव को अभ्यास नहीं है, परंतु फिर अभ्यास से वो आत्मा का आवाज सुन सकते हैं। हमें इतना भूल गया है, शरीर में आकर के आत्मा इतना शरीर के साथ मिक्स हो गई है, जो शरीर और आत्मा अलग है वो महसूस ही नहीं होता है। आत्मा का सोचना और शरीर का एक्शन करना वो इतना
इतना नजदीक हो गया है, जैसे मैं ऐसा करती हूं तो मेरे को करना नहीं पड़ता है ना, मेरे जानने के पहले ऐसा, एज इफ, ऐसा तो नहीं होता, पर एज इफ कि हमारे जानने से पहले शरीर एक्शन करना सीख गई है, सीख गया है, शरीर सीख गया है ना, इतना सोचा नहीं और हुआ नहीं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा बाय चांस, कभी कभी ऐसा होता है, मन से ऑर्डर निकल गया एक बात का, किसी भी बात का, तो शरीर तुरंत फॉलो कर लेता है, फिर दूसरा विचार है उसके पहले शरीर एक्शन कर लेता है। ऐसा अनुभव किया है कभी? कभी कभी ऐसा होता है, बाय चांस ऐसा हो जाता है कि एक बार सोच लिया कि ऐसा चलना है, फिर बोला नहीं चलना है, तो वो पांव चलना शुरू कर देता है, इतना जल्दी से एक्शन हो जाती है। तो बाबा ने बड़ा अच्छी बात बताई है, जैसे मनुष्य बंदर को आके डांस कराते हैं, ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है अथवा पार्ट बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही है जब दुनिया को चेंज होना होता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु कृष्ण आए कैसे, कलयुग में या संगम पर? तो कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहे? वो तो सतयुग का पहला नंबर का प्रिंस है, उनका बाप टीचर भी है, बाकी गुरु करने की उनको दरकार नहीं है क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है, हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वो तो हिसाब करते हैं। डीटी घराना, देवी घराना जरूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है, एक का हुआ तो उनके पीछे फिर सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीत समझते हैं, जैसे वो पढ़ाई में होता है बहुत सहज, है बहुत सहज, डिफिकल्ट नहीं है, और पढ़ाने वाला भी एक ही है, पढ़ाई भी एक ही है, पर तो भी समझना नंबरवार है। बाबा कहते हैं भी बहुत सहज पढ़ाई, तो सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। कौन सी? तुम बाप को याद करते हो और उसमें माया विघ्न डालती है। क्यों विघ्न डालती है माया? हाँ? बाबा कहते हैं क्योंकि माया को अथवा रावण को ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को ईर्ष्या होती है ना, कि हमारा मुरिम राम को क्यों याद करता है, आज तक तो हमको याद करता था, अब रावण को क्यों याद करते हैं? समझ में नहीं आता है लोगों को, ये भी ड्रामा में पहले से ही नोंद है, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी कर रहे हो, ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं टाइम की टिक टिक होती रहती है, समय हर क्षण बीतता जाता है। बस बाबा समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, बाबा कभी किसी को ये नहीं कहते हैं कि भक्ति छोड़ो, है ना, क्यों नहीं कहते हैं? बाबा कहते क्योंकि अगर यहां भी नहीं चल सके और भक्ति भी छूट जाए तो बेचारा ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। भक्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या होता है, छूट जाती है, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, निश्चय बुद्धि में बैठ जाता है ना, तो फिर भक्ति आप ही छूट जाती है। जैसे पहले एग्जाम्पल देते थे ना कि भाई क्यों भक्ति छोड़ देते हो, क्यों छूट जाती है, तो कहते थे जवाब में
कि देखो भाई किसी का पति बाहर गया है, तो जब तक बाहर गया है तब तक वो उसका फोटो देखती रहेगी। अब वो द्वार पर आया है तो क्या कहेंगी, मैं पहले फोटो देख लूं फिर दरवाजा खोलूंगी, क्या करेंगी? फिर तो फोटो का महत्व नहीं रहता है। जब वो रूबरू आ गया तो फिर फोटो की बात नहीं है। तो उसी प्रकार भक्ति, फोटो की भक्ति करते हैं, फोटो की या मूर्ति की, किसी की भी करते हैं जब तक नहीं था। जब आ जाता है और आत्मा को निश्चय हो जाता है तो फिर उसकी दरकार नहीं रहती। कोई काम का ही नहीं रहा, इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ भी नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते जो भगवान में मानते ही नहीं है, भक्ति करते ही नहीं है, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है ना, जो रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो और इसमें भी तुम कुमारियों के लिए बहुत सहज है। माताओं को तो सीढ़ी चढ़ी है, वो उतरना पड़े ना। सीढ़ी चढ़ी है अर्थात उल्टी सीढ़ी चढ़ी है बेचारी, अनेकों के बंधन में आई हुई है, सबका सुनना पड़ता है, बंधन में आई हुई है, तो फिर उसको मन को ऐसा बनाना पड़ेगा ना जो बंधन से छूट सके। घर बार छोड़ने की तो बाबा की श्रीमत नहीं है, रहना तो गृहस्थ व्यवहार में है, पर पहले जो इतना आधारित थी मन की स्थिति उनके पर आधारित थी, वो अभी बाबा ने स्वतंत्र बना दिया है कि तुम्हारे दुख और सुख का आधार किसी को नहीं रखो, किसी को नहीं रखो। तुम्हारे सुख और दुख का आधार तुम्हारी अपनी मनोस्थिति और बाबा की याद है, बस। माताओं को तो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई और बंधन है ही नहीं, चिंतन ही नहीं, तो बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल करके पारलौकिक संबंध जोड़ना है, चांसेस है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। भारतवासी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। मान्यता है कहने में, है ना, भले एक्चुअली लोग नहीं मानते हैं पर कहने में तो आता है कि भाई ये तो सब कुछ ईश्वर का है, खाली बोलने में तो सभी बोलेंगे ही। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने ही दिया है, मुख से कहते हैं ठीक है, कह देते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में ख्यानत थोड़ी डालनी चाहिए, अमानत में ख्यानत थोड़ी डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं है, चलते रावण की मत पर है, बोल देते हैं सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर सबका है, सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर सबका है, तो फिर मेरा कहाँ रहा? मेरा जो कुछ है वो किसका है? सबका है, क्योंकि ईश्वर का है। पर ऐसा कोई सोच नहीं सकते हैं। बाबा समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु बाबा कहते हैं परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। ट्रस्टी पने में धोखा देते हो, पर ट्रस्टी को धोखा नहीं है। बाबा कहते हैं ये क्या, किसको धोखा है? खुद को ही धोखा है। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी है, अगर उसने ले ली तो उसमें दुख क्यों होता है? उसका दिया हुआ था, उसने ले लिया तो दुख की क्या बात है? ममत्व मिटाने के लिए ही ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी है, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम वापस जा नहीं सकते हैं। हमको ले चलो। कहाँ ले चले? तो कहते घर ले चलो। सब कहते हम घर जाएं, कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम वैकुंठ में जाएं,
सत्यों की याद रहता है, प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है, स्वर्ग तो सत्युग में होता है, कलयुग में होता है नर्क। तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा, ये कोई सत्युग थोड़े ही है। अभी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो यही जन्म लेगा, ये कोई सत्युग थोड़े ही है। वो तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सत्युग तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, कहते भी है, समझते भी है, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं है। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वो रॉन्ग था, अपने को देह समझना वो तो रॉन्ग था। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। कृष्ण तो कह न सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, ये तो उनका रथ है जिसमें वो विराजमान है। उनका ये रथ है तो इनका भी रथ है, उनका ये रथ है तो इनका भी ये रथ है। किसका? ब्रह्मा का। शिव बाबा का रथ है क्योंकि इसमें प्रवेश करते हैं, पर ओरिजिनल रथ तो किसका है? ब्रह्मा का है। इनकी अपनी आत्मा भी है ना, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते मैं इनका आधार लेता हूं, अपना तो है नहीं, अपना रथ तो है नहीं, तो इनका लेना पड़ता है। तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ के बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ करके और बाप को देखो। बाबा कहते मुझे देखो कैसा मैं, जो हूं जैसा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप देखो मुझे, फिर मैं जो हूं जैसा, फिर जैसा है वो भी देखो कैसा है। शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है। फिर आज क्या कहा, क्या देखो, क्या वंडर खा के देखो, जिसका कोई बाप नहीं है, टीचर नहीं है और गुरु नहीं है, वो हाँ वो कभी किसी से पढ़ा नहीं है तो भी नॉलेजफुल है, पढ़ा नहीं है तो भी नॉलेजफुल है, तो कैसे होगा वो चिंतन करो। बाप रोज बैठ के बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ करके और बाप को देखो, ये शरीर भी भूल जाए। आत्मा भाव में इतना अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो, निश्चय बुद्धि बनो, जो फिर शरीर भूल जाए। शरीर तो हम है नहीं, हम कौन है? हम आत्मा हैं। तो हम आत्मा हैं, वो भाव में अपने आप को टिकाने की कोशिश करो तो शरीर भूल जाएगा। हम तुम, बाबा कहते हैं हम तुमको देखे तुम हमको देखो, क्या कहते हैं, हम तुमको देखे तुम हमको देखो। फिर कहते हैं तुम जितना बाप को देखते रहेंगे पवित्र होते जाएंगे, और कुछ नहीं करो, खाली देखते रहो, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है ना। पर क्योंकि देखने में हमारी बुद्धि टिकती नहीं है इसलिए चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बुद्धि टिकती नहीं है। देखते हैं बाबा को, मतलब बाबा सोच में देखते हैं बाबा को और सोच फिर और भी चला जाता है और बातें बुद्धि में आ जाती है, तो टिकता नहीं है। इसीलिए जब हम बाबा के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसे ही देखेंगे बाबा को, कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसे ही देखेंगे बाबा को, तो और विचार बुद्धि में कुछ भी सुनाई पड़ सकता है। एकाग्रता नहीं होगी तो हम देखते हैं इवन ये पंखा घूम रहा है वो भी सुनाई पड़ रहा है ना, टिक 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 टिक, घड़ी की टिक टिक भी सुनाई पड़ती है, सब कुछ सुनाई पड़ता है क्योंकि एकाग्रता इतनी नहीं है। अब अगर आप चिंतन में होंगे कि कैसा वंडरफुल बाप है,
जिसका कोई बाप ही नहीं है, तो कैसे टिका हुआ है, और कभी पढ़ाई नहीं किसी से, और तू भी नॉलेजफुल है, वंडरफुल है, कैसे अंदर में नॉलेज आया। और कहानियों में, शास्त्रों में, कहानियों में तो ऐसे ही दिखाते हैं, पढ़ना नहीं पड़ता किसी को। छोटी सी कोई कहानी आती है जो कृष्णा किसी मुरली बजाने वाले को जाके कहता है कि ये क्या तुम बजाते हो, मेरे को भी सिखा दो ना मुरली। तो वो कहता है कि भाई देरी लगता है मुरली सीखने में, तो छोटी मुरली दिया, ये बच्चों की मुरली देता हूँ तो सिखाओ। तो कृष्णा कहता है क्या करूँ, ये बजती नहीं है, फू 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 करता है। फिर कहता है नहीं बजती है, क्या करूँ। तो वो कहता है तुम विद्या देवी को स्मरण करो, माँ सरस्वती को स्मरण करो और बजाना सीखो। तो उनकी क्या देरी है, माँ सरस्वती को स्मरण किया तो वो तो साक्षात सरस्वती हाजिर होगी। कहते क्या क्या आदेश है प्रभु, मुरली सिखाओ। तो उसने ऐसी मुरली बजाई जो मुरली बेचारा सिखाने वाला तो एकदम ट्रांस में चला गया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ। कहता ऐसा मुरली तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पढ़ने की बात नहीं, वो जैसे नॉलेजफुल है, जिसको बाबा ने कहा नॉलेजफुल है वो, नॉलेज आत्मा में भरा हुआ है, और क्योंकि वो शरीर लेता नहीं है कभी, इसलिए कभी जाता नहीं है, कायम बना रहता है कायम। देखो ऐसा सोचा तो भी पंखे की आवाज सुनाई पड़ी नहीं पड़ी। तो चिंतन इसलिए है, बाकी चिंतन की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु मन इतना अभ्यासी नहीं है, एकाग्र होने का अभ्यासी नहीं है, इसलिए जब चिंतन करते हैं तो चिंतन में मन बिजी हो जाता है, तो उनको थोड़ा अभ्यास हो जाता है, इसलिए फिर ऑटोमेटिकली मन बाबा में टिकेगा। इसलिए चिंतन का अभ्यास हो जाएगा तो मन को टिकने का भी अभ्यास हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं अगर हो तो बताओ, तुमको अगर पता हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होंगी ना, नहीं हो सकता है ना। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई होता ही नहीं। नब्स देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए, समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सभी अपने अपने धर्म में चले जाएंगे, आत्मा के संस्कार के पर आधारित है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो फिर निकल के अपने अपने सेक्शन में आ जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है, ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे, ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहां का जो होगा बाबा कहते हैं उनको तूफान कम आएंगे, क्योंकि नहीं होगा यहाँ का तो उसको कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तूफान ही आ जाता है और वो बहाना बन जाता है और वो बेचारा नहीं चल सकता है। जो यहाँ का होगा उनको सब अनुकूलता भी प्राप्त होगी, तूफान कम आएंगे, दिल होंगी फिर जाएं, जाके सुने। कहीं फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं हैं। मन है, अच्छा लगता है, सब कुछ है, पर और संग के रंग में चले जाते हैं तो भी फिर नहीं आ सकते। फिर एक बार थोड़ा भूल गए तो भूल गए, फिर आना मुश्किल होता है। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे, संग का रंग लग जाता है। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ करके काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं, हमारे बच्चे जब सब जल मरे हैं ये बेहद की बात है। कहते हैं सागर के बच्चे जल मरते हैं, तो बाबा कहते हैं ये बेहद की बात है।
कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली है। बाबा कहते करोड़ों आत्माएं हमारे घर में अर्थात परम धाम में, घर में, ब्रह्मलोक में रहने वाली है। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम आकर के राज्य करेंगे। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी, वहां ठहर जाएंगी, आराम करेगी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा कहते हैं किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तो उसे न देख करके अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हरेक एक्टर का पार्ट अपना अपना है और इस ड्रामा में नुदा हुआ है, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। तो किसी एक्टर के पार्ट को देख करके अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना है, कहीं दूसरे के एक्ट को देख करके खुद बहुत परेशान होते हैं, तो वो भी क्या हुआ, संबंध का बंधन, वो भी हुआ संबंध का बंधन। तो ये ज्ञान अपने आप को देना है, पक्का करना है कि सभी आत्मा का अपना अपना पार्ट है। भले सभी आत्माएं मिलकर के एक परिवार में इकट्ठी हुई है, परिवार बन गया है उसका, यहां से वो आया, यहां से वो, यहां कौन कहां से आया पता नहीं, कौन कहां से आया वो भी पता नहीं, और कहां जाएगा वो भी पता नहीं है। इसीलिए हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट, अपना अपना पार्ट, वो याद रखना है। दूसरी बात, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है, कोई भी विकार के वशीभूत होकर के। बाबा कहते बाबा जो जो कुछ दिया है वो किसने दिया है, क्या कहते हो, ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर की दी हुई चीज को रावण के मत पर मैं और मेरा लोभ क्रोध मोह उसके वशीभूत, अहंकार उसके वशीभूत होकर उपयोग नहीं करना है, वो भी अमानत में ख्यानत कहा जाएगा। अभी तो बच्चों में तो नहीं होता है, बाबा के बच्चों में, पर कई लोग होते ऐसे होते हैं ना, बहुत गुस्सा करके कुछ वस्तु तोड़ फोड़ डालते हैं, कईयों को ऐसा होता है, छोटे बच्चे ऐसा ज्यादा करते हैं, बड़े भी करते हैं कोई कोई, पर गुस्सा आया टीवी तोड़ डाला, गुस्सा आया जो हाथ में आया फेंका, पर जो है वो किसकी अमानत है, उनकी है। तो ऐसा गुस्सा करके कुछ भी बिगाड़ने की तुम्हें अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल मैंने दिया, पर इस प्रकार से कोई भी बात को मोह के वश लोभ के वश भी खर्च करने का हमें अधिकार नहीं है। अच्छा, सबसे ममत्व निकाल करके पूरा ट्रस्टी होकर के रहना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है, वरदान। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिकर बादशाह भव। बाबा कहते हैं सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा ही होगा, समझा। बीत गया अच्छा हुआ, जहां अच्छा है वहां सदा बेफिकर बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिकर बादशाह, बाबा में पूरा निश्चय है उसका अर्थ है बेफिकर बादशाह, चिंता नहीं होगी। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है,
स्वयं को भी, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, बाकी आने वाले प्रोग्राम्स तो कई प्रोग्राम तो आप सबको पता है। एक तो 19 तारीख अपना वार्षिक उत्सव है, शाम को 7 बजे होगा। उसमें जिनको भी पार्ट लेना है किसी भी प्रकार से, वो पूनम बेन को बता दे कि हमें क्या पार्ट लेना है। मतलब पर ऐसा नहीं होगा कि जिनको मन आया वो गीत गाने लगे या डांस करने लगे, ऐसा नहीं। पहले उसको देखा जाएगा, अगर अनुकूल है तो ही वो किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं उसी दिन आके गाने लग जाए तो सभी कहेंगे हमारा टाइम वेस्ट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से प्रैक्टिस हो और बताएंगे हमें योग्य लगेगा उचित लगेगा तो ही उनको हम अलाउ करेंगे, ऐसा है। डांस वगैरह भी पहले बताना होता है, गीत भी पास करवाना होता है, क्योंकि हमारा ये आध्यात्मिक स्टेज है तो उसके पर ऐसी बातें शोभा देती है। इसलिए गीत भी सिलेक्शन के लिए पहले ही पास करवाना होगा, तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके पहले आने वाले रविवार को 12 तारीख को विशेष प्रोग्राम है। अभी ये वीक जो है वो सड़क सुरक्षा वीक कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा वीक, ये भी एक हर एक रोड सेफ्टी वीक कहते हैं, तो अभी वो चल रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में 12 तारीख को प्रोग्राम रखा है, अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में संयम नियम से सड़क सुरक्षा सेमिनार। ऐसे मैटर बना है, सफलता सुख और शांति के लिए मानव रात दिन दौड़ रहा है, दिन प्रतिदिन गति बढ़ती जा रही है, वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, सबको जल्दी है, जीवन के हर पहलू पर तनाव है, इसलिए यातायात के नियमों को जानते हुए भी उनका पालन करने की धीरज नहीं है। परिणाम अकस्मात की संख्या बढ़ती जा रही है, किसी भी रोग से ज्यादा मृत्यु सड़क अकस्मात में होते हैं, जैसे हार्ट अटैक कहते हैं नंबर वन, पर उससे भी ज्यादा सड़क अकस्मात में मृत्यु होती है, इसलिए जागृत होने की आवश्यकता है। ट्रैफिक के नियम और आंतरिक संयम ही सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए, इस सेमिनार में भाग लेने के लिए सबको निमंत्रण है, 12 तारीख शाम को 7 बजे यहाँ ही सेंटर पर होगा। और अतिथि विशेष के रूप में आमंत्रित किया है भ्राता संचित शर्मा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट वडोदरा, भ्राता AK खांड डिपो मैनेजर वडोदरा, और थर्ड भ्राता HC पारेख PSI ट्रैफिक ब्रांच वडोदरा, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग्स RERF की तरफ से या ब्रह्मा कुमारी की तरफ से प्रोग्राम है। ओम शांति। बाकी आपको, अच्छा सॉरी, कहते हैं वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम 7 बजे नहीं पर 6 बजे शुरू होगा, क्योंकि एक दो करके लंबा चौड़ा हो ही जाता है, तो जल्दी से पूरा होना चाहिए। कम से कम 9 बजे तो पूरा हो ही जाना चाहिए, 9 से पहले, तो इसीलिए 6 बजे शुरू होगा। ओम शांति।